अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किड्स टिप्स एंड किचन। आज हम बॉल राइस बनाने जा रहे हैं। इन राइस का नाम मेरे बच्चों ने रखा है, वैसे आप इसको कोफ्ता राइस भी कह सकते हैं और भी कोई भी अपनी तरफ से मोती राइस कह लें, कुछ भी कह लें। खैर, आइए शुरू करते हैं। बॉल राइस बनाने के लिए हमें राइस चाहिए हाफ के जी, तकरीबन 200 ग्राम्स। हाफ के जी हमें इसके लिए कीमा चाहिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब कीमे में हम क्या ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशली हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें स्पाइसेस थोड़ी लाइट रखेंगे। इसमें हम शामिल करते हैं ये चीज़ें, ये है तकरीबन एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, नमक हसबे ज़ायका, सफ़ेद मिर्च तकरीबन हाफ चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, लहसुन अदरक पेस्ट 2 चाय के चम्मच और ऑफ कोर्स रेड मिर्चें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, रेड पेपर तकरीबन, ये देखिए तकरीबन 1/2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर हम इसमें एज अ बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, सूखा धनिया, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च और नमक। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम एक साइड पे पहले चावल डिप कर देते हैं, पानी में अच्छी तरह डिप कर देते हैं। ये हमने चावल एक साइड पे भिगो कर रख लिए। अब हम इस कीमे से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ के, ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। ये देखिए जस्ट ऐसे। अच्छा, मेक श्योर कि आपके कीमे में चिकनाई कम से कम हो, ताकि ये बॉल्स टूटे ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। अपनी आसानी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा चम्मच ले लें और उसके अकॉर्डिंग सेम क्वांटिटी में आप कीमा उठाए जाएं और ये इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाइए। लेकिन चलें, इस तरह से भी ठीक है। इस तरह से हम सारे कीमे के बॉल्स बनाकर रख लेंगे। सबसे पहले ये देखिए,
कोफ्ते या मीट बॉल्स नरम बनाने के लिए एक टिप है, आप जितना हल्के हाथों से इसे बनाएंगे और इसको टाइट नहीं करेंगे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, आपको कुछ भी सॉफ्ट करने के लिए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, अभी ये तो हम छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं, लेकिन कोफ्तों के लिए भी यही टिप यूज़ होती है कि जितने आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते नरम बने उतना ही आप उसको हल्के हाथों से जस्ट इस तरह से करके इसका बॉल बनाएं। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे करके ये बॉल रेडी। ये देखें, हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ठीक है। अब हम चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने चावलों का मसाला तैयार कर लिया है। मिर्चों को हमने इस तरह से चार कट लगा लिए हैं। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि हम बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ये राइस बना रहे हैं, इसलिए स्पाइसेस कम से कम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स कुक। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैन में ऑयल डालेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको इसमें ऑयल कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं, जैसा कि अभी मुझे वाकई में ऑयल कम लग रहा है और मैं इसमें मज़ीद ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे आप हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करें। ये देखें व्यूअर्स, हमारा अनियन ट्रांसपेरेंट हो चुका है।
देखें व्यूअर्स, हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। अच्छा, राइस बनाते हुए स्पेशली इस पॉइंट पर आपने बहुत केयरफुली का मुजाहरा करना है। क्योंकि इस मोमेंट एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर होने की देर है, आपका प्याज डार्क हो सकता है और आपका सारा मसाला और उसका कलर ख़राब हो जाता है। ये देखें, आपने कंटिन्यूसली अब इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। ये देखें, अभी बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया, गोल्डन गोल्डन कलर आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा प्याज बिल्कुल परफेक्ट कलर में आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये हरी मिर्च, अब हम इसमें एक कड़ी पत्ता, छोटी सी बड़ी इलायची और दो लौंग ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करते ही इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर और इसे अच्छे से भूनने देंगे। इस लेवल पे हम हल्का सा इस पर पानी डालेंगे और कुछ देर के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अपने मसाले में ये कोफ्ते हम तब ऐड करेंगे जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और मसाला भुनने की एक सबसे अहम निशानी यह है कि इसके जो टमाटर है ना, ये बिल्कुल मैश फॉर्म में आ जाएंगे। अभी ये प्रॉपरली नहीं हुए तो हम इसे लिड डब करके वेट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मसाला तकरीबन अच्छी तरह से भुन चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें हाई फ्लेम पर ये अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। और इसको छेड़े बिना इसी तरह से सेक लगने देंगे ताकि ये अपनी एज इट इज फॉर्म में आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसमें कम से कम चम्मच लाएंगे और अपने पैन को ये देखें इस तरह से ये लाएंगे।
ये देखिए जैसे ये एक दफ़ा हीट अप हो जाएंगे और अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, देन आप इसको अच्छी तरह से हिला भी सकते हैं, चम्मच से अच्छी तरह से भून भी सकते हैं, ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेंगे। ये देखिए देखे हुए हो जिसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया, इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स के साथ भी अच्छे से ये मसाला मिक्सअप हो चुका है। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ेगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमें साइड से ऑयल नज़र आना शुरू हो गया, इसका मतलब है मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें अपने राइस के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे राइस अच्छी तरह से भीगे हुए हैं, इसलिए हम सेम क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें एक चम्मच नमक शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर अप करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी को अच्छी तरह उबाला आ चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे।
हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, अब दो तीन उबाले आने तक वेट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे राइस इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम लो फ्लेम करके इसे कुछ देर ऐसे कवर करके पकाएंगे। जब इसमें बिल्कुल 2% पानी रह जाएगा तो हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे हम अपने राइस को दम लगा देंगे। ये देखिए आप, एक दफ़ा इसमें सिर्फ हल्का हल्का सा पानी बाकी है, दम लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे राइस को अच्छे से दम आ चुका है। सो लेट्स डिश इट आउट।